सिविलाइजेशन नहीं होगा, सभ्यता नहीं होगा, तो मेरे भाई आप कैसे चीजों को सीखोगे, हम कैसे चीजों को अडॉप्ट करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा, तो बस बिंदास होके इसको करो। और भाई लाइक जो मंदिर होते थे घरों जैसा प्रतीत होते थे, अब ये देखो इन क्वेश्चन के अलावा अगर कोई क्या क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर के पास कि क्या सेट करेगा, तो मेरे भाई अब जो भी एग्जामिनर सेट करेगा वो मैंने आपको यहाँ पे लाके दे दिया, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्लास इलेवंथ में किसी भी बोर्ड के किसी भी स्टेट के हो, मेरे भाई ये रामबाण है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जय हिंद। मेरे भाई क्लास 11th में जो आपके हिस्ट्री के पहला चैप्टर मेसोपोटामिया के जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल आपके लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू मिला के, मेरे भाई उसके अंदर से अगर आपने कंप्लीट इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो से आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि प्रीवियस में ऐसे ही क्वेश्चंस बने हैं। तो मेरे भाई अगर आप क्लास 11th में हो तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। मेसोपोटामिया का जो आपके इतिहास का पहला चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मेरे भाई सबसे पहले अगर आप 11th में हो तो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो एक ओवरव्यू आपको पता होगा कि जैसे मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द का बना हुआ है जिसका मेसोस मतलब मध्य होता है, पोटामस मतलब नदियां होता है, दो नदी है, दजला फरात के बीच में उपजाऊ भूमि था, आजकल इसे इराक गंडाज के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत क्या थे, इमारतें मिली, मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजार, इमारतें और मुद्राएं और हजारों लिखित दस्तावेज, मेरे भाई ये हो गया। फिर भूगोल कैसा था, उत्तर में कैसा था इनका, हरे भरे घास के मैदान थे, और मतलब उत्तर पूर्व में, उत्तर में कैसा था, ऊंची भूमि स्टेपी घास के मैदान थे, ये एमसीक्यू में आया था लास्ट ईयर। पूर्व में दजला और इसकी जो सहायक नदियां थी वो था यहाँ पे, दक्षिण में रेगिस्तानी क्षेत्र किंतु दजला फरात नदियों के कारण ये उपजाऊ थे, ये लास्ट ईयर पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आया है। तो आपको इसी तरीके की सारी चीजें मिलेगी मेरे भाई, और आपको तक यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो जो एक एक नंबर में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और ये पेपर में आता ही आता है मेरे भाई। अगर क्लास 11th में किसी भी स्टेट से हो मेरे भाई, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो भाई ये आपके लिए रामबाण होगा। सबसे पहले देखो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला शब्द है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखोगे तो वहां पे भी यूज करना है इसे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन-किन नदियों के बीच विकसित हुआ, आप लोग को पता ही होगा दो नदियां थी, और मेसोपोटामिया पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से घास के मैदान थे। देखो अभी घास के मैदान बताया ना आपको, ये घास के मैदान हमेशा पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया स्टेपी। शहरीकरण की विशेषता क्या थी, मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का अच्छा प्रबंध किस प्रकार था, मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की गई, मेसोपोटामिया में लिपि क्या थी, मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रकार के धातुएं वे पत्थर कहां से आयात करते थे, मंगवाते थे, क्योंकि उनके पास में पत्थर तो है होता नहीं था, औजार औजार के लिए थे, दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करवाते थे, ऐसा पूरा कंप्लीट सेशन पड़ा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो भाई, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। फिर उसके बाद में यहां पे मेसोपोटामिया के लोग किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, ये सारे टर्म्स है जो कि आपके पिछले सालों में इस तरीके के क्वेश्चन आए। अब देखो, अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे सेक्शन सी और सेक्शन सी, पहले बता दिया मैंने आपको कि भैया ये जो है आपके ये यहां पे सिटी एंड राइटिंग लाइफ, ये मतलब मेन टॉपिक है, इसके अंदर से आपके 10 नंबर का पूरा पूरा पेपर आने वाला है मेरे भाई। अब कंप्लीट देखना और आपके लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ जाएगा मेरे भाई। लास्ट मतलब कई सालों में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और मैं आपको बता दूं आपको जितने भी अपने इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके पेपर से रिलेटेड ही होगा, थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो सकता है लेकिन 110% यही मैच करेगा। तो बस एक ही रीजन है, अगर इंग्लिश का अगर आपने नोट मेकिंग में पूरे नंबर नहीं लिए हैं अभी तक, नहीं कर पाया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो, बस आपको वन शॉट इंग्लिश का पूरी ग्रामर सेट जाएगी। और भाई व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाओ, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्त पहला, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो भी 3-4 नंबर में आएगा। शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धियों के बल पर ही हुआ, मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाएं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाएं। तो इस तरीके की चीजों को आपको अपने हिसाब से लिखना है। अभी ऑफलाइन में बहुत सारे मॉक टेस्ट हो रहे क्लास 11 के, तो मेरे भाई वो आपके साथ मैं बताऊंगा किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, समझे दोस्त। एक तो ये हो गया, उसके बाद आपके पास सबसे दूसरा क्वेश्चन आता है, एक जो इराक है भौगोलिक विविधताओं का देश है, किस कथन की 4 बिंदु पर पुष्टि कीजिए। आपको क्वेश्चंस इसी तरीके के दिखेगा, बस ये है कि आप कितना फोकस से चीजों को समझ पाते हो, टोटली डिपेंड करता है इस चीज पे। बस आपको मैंने पहले बताया कि जो भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से एक ही टर्म्स होता है भाई, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री इनमें क्लास 11th और 12th में कॉलेज में हो अच्छे मार्क्स लाने का, आप उनके मेन हेडिंग तैयार करो, उनके सब हेडिंग तैयार करो जैसे ऑफलाइन में होता है, समझे दोस्त। ये पॉइंट को आप याद रखो, अगर कोई ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके कर सकते हो मेरे भाई, आपको मैं इतना सियोरिटी देता हूँ 90+ तो कोई रोक नहीं पाएगा।
समझे दोस्त। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मारी एवं मारी एक शहरी केंद्र एवं व्यापारिक स्थल था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अब भाई कितनी सारी चीजें लिखा सकते हो यहाँ पे मारी। पहले तो आपको मेसोपोटामिया के बारे में बताना है, फिर उनके शहरों के बारे में बताना है, फिर उनके दिशाओं के बारे में बताना है, किस दिशा में मारी अवेलेबल है, सिचुएटेड है, उनके बारे में बताना। तो ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे और इसी तरीके का दिखेगा। मार्किंग स्कीम ऑलरेडी अपलोड है लास्ट ईयर का, आप जाके चेकआउट करो ब्लू प्रिंट करके। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई जो आपको यहां पे दिखेगा ही दिखेगा, समझे। उसके बाद स्पष्ट कीजिए कि मेसोपोटामिया में समकालीन नगर मोहनजोदड़ो के विपरीत उर्क नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। तो ये क्वेश्चंस को आज तक हमेशा, चाहे आप क्लास 11th में हो या आप बड़े लेवल पर जब भी जाओगे और मेसोपोटामिया का टॉपिक बनेगा, तो भाई ये क्वेश्चंस को 110% जगह दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप फिक्स करो, आपके फाइनल में भी आने हैं, क्योंकि नगर नियोजन वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 12th में आप पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता, तो वहां पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास साक्ष्यों का आधार पर समझाए। तो एक तो ये हो गया नगर नियोजन, एक लेखन कला साक्ष्य, 110% पेपर में आएगा। चाहे आज आप इसको लिख लो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके देख लेना, आपको पेपर में 110% आएगा। नहीं आए तो बता देना भाई, वीडियो हटवा देंगे इस चीज का। और अगली बार से भाई इसे क्वेश्चन का मैं सच बता रहा हूं, मैं इस तरह के क्लासेस ही नहीं रिकॉर्ड करके दूंगा आप लोग को, बट मुझे इतना पता है, सियोरिटी है, लास्ट ईयर से भी पेपर इसी तरीके से छपते हैं। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, आप जानते हो शहरीकरण था, क्योंकि आप जानते हो मॉडर्नाइजेशन कहां कहां से है। मेसोपोटामिया से हम लोगों ने आज अपने मॉडर्नाइज किया है, भाई हड़प्पा से हमने मॉडर्नाइज किया, काफी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिरों को रचना घरों जैसी क्यों पद्धति होती थी, बताओ यहां पे प्रतीत होती थी। आप जानते हो वहां के जो मंदिर होते थे घरों जैसा प्रतीत होते थे। अब ये देखो, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई क्या क्वेश्चंस बनता है एग्जामिनर के पास कि क्या सेट करेगा, तो मेरे भाई अब जो भी एग्जामिनर सेट करेगा वो मैंने आपको यहां पे लाके दे दिया। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्लास 11th में किसी भी बोर्ड के, किसी भी स्टेट के हो, मेरे भाई ये रामबाण है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो 8 मार्कर वाले क्वेश्चंस हैं, और ये 8 मार्कर वाले क्वेश्चंस आपके लिए भाई सच बता रहा हूं विद आंसर दिया हुआ है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है देखो मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर के उसका उत्तर देखो, 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ, कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। इसी तरह के पॉइंट बना का ना मेरे दोस्त आपको। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता के, और इन्ना जो प्रेम की देवी, युद्ध की देवी भी कहते थे, जो आपने थंबनेल पे देखा था, तो यही माता थी, इन्ना देवी थी। ठीक भाई, कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि वह मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। देखो, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। जैसे आप जानते हो मछली सबसे ज्यादा किस राज्य का फेवरेट, कमेंट करके बताओ। आराध्य देव और सनातिक रूप से खेते मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों को पशुधन की स्वामी माना जाता था। किसको भाई? आराध्य को। ठीक भाई, समय आने पर उपजाऊ को उत्पादित वस्तुओं के बदले की प्रक्रिया मंदिर में ही उपजाई जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ाए, और साथ साथ में उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। तो ये एक कंडीशन था, बचाओ कितना आसान था। तो मेरे भाई यही एक पॉइंट जो एग्जामिनर को चाहिए, और एग्जामिनर को जिस तरीके का आंसर चाहिए। तो भाई अगर आप लोग, भाई मजा आया ना, आप लोग को समझ आ रहा है कि भाई इसी तरीके से सारे चैप्टर का चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग को भाई चैप्टर का नाम चाहिए। जिस पे ज्यादा चैप्टर का नाम होगा उसका नेक्स्ट क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। और भाई आपके 25 तारीख से पेपर है, तो भाई धूम मचा दो, बढ़िया तरीके से आग लगा दो। भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, और भाई इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, और भाई ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लो, वहां पर सारे आपको सिलेबस मिल जाएंगे क्लास 11th 12th सबके भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, संभव बता दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी क्या कहते हैं भाई, कल गन्ना और गणित की विद्वताओं परंपरा है, उस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। आप जानते हो गणितों के बारे में पढ़ना लिखना मेसोपोटामिया से ही पता चला, कैलकुलेशन के बारे में मेसोपोटामिया से पता चला, व्यापार करने का मेसोपोटामिया से पता चला। तो मेरे उसी संदर्भ में आपको कह रहा आंसर बताओ, तो आंसर यूं है, मेसोपोटामिया की दुनिया सबसे बड़ी देन उसकी काल गन्ना और गणित की विद्यापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के
आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली जिनमें गुण गुना और भाग की तालिकाएं वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां थी। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता था ये होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता था भाई यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। वर्गमूल का मतलब होता स्क्वायर रूट, ठीक भाई, वर्ग का मतलब होता था स्क्वायर। तो ये पॉइंट आप याद रखना जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग क्लास टेंथ में थोड़ा सा भी याद होगा तो आप मुझे बता सकते हो पांच का स्क्वायर कितना होता है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को पढ़ा होगा तो थोड़ा तो वैसे याद ही होगा, कमेंट करके बता दो एक बार। देखो भाई मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन है, एक महीने में 4 हफ्ते का विभाजन है, एक दिन 24 घंटे का विभाजन है और एक घंटे का 60 मिनट की विभाजन किया गया है। आज यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। अब सोचो ये इतनी सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में पता चला, अगर मेसोपोटामिया नहीं होते, इसीलिए कहते जब सिविलाइजेशन नहीं होगा सभ्यता नहीं होगा तो मेरे भाई आप कैसे चीज़ों को सीखोगे, हम कैसे चीज़ों का करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा, तो बस बिंदास होके इसको करो। और भाई लाइक नहीं करते ना तो प्लीज यार थोड़ा सा लाइक कर दो और भाई अपने दोस्त यार में भी शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष मास और दिन के अनुसार उसका हिसाब रखा गणना की जाती है। रात को आकाश में तारे और तारामंडल की स्थिति नजर आते हुए गणना की जाती है। पहले जो आते तारे वारे होते थे ये सारे सिविलाइज्ड के ऊपर डिपेंड है मेरे भाई। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेसोपोटामिया का जो आपको यहां पे दिख गया। और मेरे भाई अगला जो है आपके सामने अगला क्वेश्चन एक और है, यही था क्या क्वेश्चन? अब तो भाई देखो है नहीं कुछ भी ऐसा, ठीक है 11 मतलब वही क्वेश्चंस है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होगी। और मेरे भाई एक पॉइंट याद रखो, अगर ये सारी चीजें समझ आई है तो बस आपको क्या करना है कॉमेंट करके बस ये बताना है अगला किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट में चाहिए, इतना इतना करते जाओ, इन सबों का आंसर राइटिंग तैयार करो, सफिशियंट है क्योंकि क्लास 11 तो बहुत बच्चे लास्ट ईयर फेल हुए हैं। तो इस बार आपको बिल्कुल ही नहीं करना कुछ गलतियां, बस आपको आगे निकलते जाना है और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।